जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों आज UPTET, CTET और शिक्षक भर्ती की हिंदी की तैयारी के अंतर्गत आज हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेंटर आपके लिए लेकर आए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के टॉपिक कवर करने का प्रयास किया गया है और जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर आपके सामने जो पहला प्रश्न रखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये आपको बताना है। संयुक्त व्यंजन नहीं है छा, शा, त्रा और ग्या। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, छत्र, ज्ञा। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है पूछ रहे हैं कि निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द अग्नि, आग, अग्न या फिर अग्नि। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आग जो है वो है तद्भव शब्द और इसका तत्सम क्या होता है, अग्नि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संबंध कारक कौन सा है। संबंध कारक का जो चिन्ह है इन चारों में कौन सा है ये आपको बताना है। मे पर, के लिए, रा, रे, री या फिर से। तो संबंध कारक का चिन्ह आपको मालूम है रा, रे, री। आपने कारक पढ़े होंगे सारे, कर्ता ने, कर्म को, करण, तो ये सब आपने पढ़े होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा हिंदी अनुवाद क्या होगा। ड्राफ्टिंग को हिंदी में क्या कहते हैं ये यहाँ पर बताना है। टिप्पणी, आरोपण, प्रस्ताव, प्रारूपण। तो ड्राफ्टिंग का जो हिंदी मतलब है वो है प्रारूपण। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक विलोम युग्म नहीं है। यानी तीन ऑप्शन तो विलोम युग्म है लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो इसमें एक दूसरे का विलोम नहीं है। गुड़, दोष, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये विलोम युग्म हैं। पाप, पुण्य, ये भी सही है क्योंकि गुड़ पाप का उल्टा पुण्य, यानी पाप का विलोम पुण्य, गुड़ का विलोम दोष, न्यून का विलोम अधिक, वृहद और विशाल, ये दोनों आपके विलोम युग्म नहीं हैं। यानी यहाँ पर वृहद का मतलब होता है विशाल, यानी ये दोनों एक दूसरे के विलोम नहीं है, यही यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं तालव्य व्यंजन कौन सा है। यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक तरीके से कह सकते हैं प्रत्येक वर्ग दे रखा है। ये दे रखा है चा वर्ग, ये दे रखा है टा वर्ग, ये दे रखा है ता वर्ग और ये दे रखा है पा वर्ग। तो हमने आपको बताया था अगर आपको याद हो तो तालव्य व्यंजन चा वर्ग में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, अंगुली पर नाचना का अर्थ क्या है। अपनी इच्छा अनुसार चलाना, किसी की इच्छा अनुसार चलना, थोड़ा सा सहारा पाना, आरोप लगाना। तो यहाँ पर क्या होगा, अंगुली पर नाचना, किसी की उंगली पे आप नाच रहे हैं मतलब किसी की इच्छा अनुसार आप चल रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है दांतों तले अंगुली दबाना का क्या अर्थ होगा। मुसीबत में पड़ना, बहुत हैरान होना, आश्चर्य करना, दीनता प्रकट करना। तो दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्य में पड़ जाना। अगला देखो, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर निम्नलिखित में कौन सा उत्सव के लिए शब्द है। हीरक जयंती, रजत जयंती, शताब्दी या फिर स्वर्ण जयंती। तो जब भी किसी भी संस्था के 25 वर्ष या कहीं भी आपके 25 वर्ष पूरे होते हैं तो वहाँ पर हम उसको नाम देते हैं रजत, ठीक है। अब यहाँ पर किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होते हैं उसे हम कह सकते हैं रजत जयंती, ठीक है। शताब्दी जो होता है वो 100 सालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा उपसर्ग रहित है, यानी इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है, वो आपको देखना है। संगम, क्रोध, विमोचन या फिर प्रत्यर्पण। तो यहाँ पर क्रोध ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। अगला देखते हैं, यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन हैं, ये आपको बताना है। तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ या फिर ओष्ठ। तो यहाँ पर यारा लावा आप कहीं लिख लो, रट लो, अंतस्थ व्यंजन है। निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध पदक्रम होगा। एक पानी का गिलास लाओ,
पानी का एक गिलास लाओ, एक गिलास पानी का लाओ, इनमें से कोई नहीं यहाँ पर सही होगा। पानी का एक गिलास लाओ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम घर गया उसने माँ को देखा, इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा? राम घर गया और उसने माँ को देखा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 14, 21, 24, 34। तो रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ये छंद का क्वेश्चन है। राम रमापति कर धनु लेहु, यहाँ कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक या फिर श्लेष अलंकार। तो यहाँ पर देखो, राम रमापति, तो यहाँ पर देखो रा वर्ड की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखो लिखा है, सही वर्तनी छाटो, यानी इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही लिखा हुआ है? देखो ये भी आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि उसमें सही वर्तनी छाटनी होती है, चार ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे इनमें से कौन सा सही है, तो वो आपको पता होना ज़रूरी है। जैसे ज्योत्सना यहाँ पर लिखा है, ज्योत्सना कैसे लिखते हैं सही सही? तो ज्योत्सना का जो ऑप्शन नंबर बी है ये एकदम सही लिखा हुआ है, ठीक है। 17 नंबर में देखिए, यहाँ पर कवयित्री की बात की जा रही है, कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। अब कवयित्री को लिखते कैसे हैं, एकदम सही वर्ड कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर ए, कवयित्री। अगला देखो, 18 नंबर है, उज्ज्वल लिखा हुआ है। अब उज्ज्वल कैसे लिखते हैं? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उज्ज्वल उज्ज्वल कैसे लिखते हैं? ऊ और आधी जा दो बार होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी में सही लिखा हुआ है। अब छह लिखना है, सिक्स वाला छह होता है, वो लिखना है, वो कैसे लिखेंगे? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, छा लगा के विसर्ग लगा दे, ये एकदम सही है। अब प्रश्न संख्या 20 में देखो, जिजीविषा कैसे लिखते हैं? चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए सही है, जिजीविषा। क्लियर हो गई बात। अब देखो यहाँ पर आपको सही विलोम चुनना है। अनादर का जो विलोम क्या होता है, मान सम्मान आदर सत्कार, अनादर का सही विलोम होगा आदर। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अभिज्ञ का, अज्ञानी, अनभिज्ञ, अनिपुण, मूर्ख, ये हो गया अनभिज्ञ, काफ़ी सरल है। अथ का क्या होगा, इति समाप्त खत्म संपूर्ण, तो अथ का होगा इति। करुणा का विलोम शब्द क्या होगा, कठोर, निष्ठुर या फिर निर्दय या फिर कोमल, तो करुणा, करुणा का विलोम शब्द होगा निष्ठुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा, सीधा, सरल, तिर्यक, वक्र, तो ऋजु का होगा वक्र, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है, नीचे चार चार शब्दों के समूह दिए, प्रत्येक के तीन पर्यायवाची हैं और एक भिन्नार्थी है, उसको चुनना है, यानी तीन शब्द, तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और एक भिन्न है, तो वो आपको चुनना है। जैसे 26 नंबर में देखो, उत्सव, उत्साह, पर्व, समारोह, तो यहाँ पर उत्सव, पर्व, समारोह ये तीनों एक हैं, लेकिन जो उत्साह है ये भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 27 में, दिवस, वासर और दिन और प्रसून, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दिवस है, वासर है, ये दिन है, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, जो प्रसून होता है इसका मतलब होता है फूल, पुष्प। 28 नंबर देखो, कनक, स्वर्ण, हीरक और हेम, तो यहाँ पर कौन सा अलग है? देखो कनक, स्वर्ण और हेम ये सब सोना के पर्यायवाची होते हैं, सोना यानी गोल्ड, गोल्ड वाला सोना, कनक, स्वर्ण, हेम ये तीनों सोना के पर्यायवाची हैं, और जो हीरक है ये सोना का पर्यायवाची नहीं, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 29 नंबर देखो, अश्व, हय और तुरंग और कुंजर, तो यहाँ पर ये जो अश्व है, तुरंग, ये सब घोड़ा के पर्यायवाची हैं, और जो कुंजर है ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न संख्या 30 है, बादल, पयोधर, वारिज और वारिद, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बादल, पयोधर और वारिद ये तीनों बादल के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो वारिज है ये बादल का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न शब्दों में प्रयुक्त संधि का सही नाम चुनिए, सन्मार्ग, सन्मार्ग में आपको बताना है कौन सी संधि है, तो देखो सन्मार्ग, तो यहाँ पर व्यंजन आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा व्यंजन संधि। ज्ञानोदय, ज्ञानोदय में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन है स्वर, व्यंजन, विसर्ग, तो ज्ञानोदय है, ज्ञान प्लस उदय, यानी यहाँ पर स्वर का उपयोग हो रहा है, यहाँ पर स्वर संधि हो जाएगी।
निराधार संख्या 33 है, निराधार में कौन सी संधि होगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। देखो निराधार का जब हम संधि विच्छेद करते तो होता है निह प्लस आधार, यहाँ पर विसर्ग लगती तो विसर्ग संधि हो जाएगा। अगला देखो, इसमें किस शब्द में विसर्ग संधि है? अतएव, नरेंद्र, सज्जन, सदैव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में विसर्ग संधि होगी। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में किसमें व्यंजन संधि है, ये आपको बताना है। सप्तर्षि, निराधार, सत्कार, हिमालय। देखो ज़्यादातर किसी में व्यंजन संधि है या नहीं तो उसको पहचानने का तरीका ये है, उसमें देख लो, शायद कहीं ना कहीं आपको जहाँ से संधि विच्छेद करेंगे वहाँ पर आपको आधा शब्द मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो सत्कार, यहाँ पर देखो सज्जन, ये दोनों में व्यंजन संधि है, ठीक है। तो इसको एक तरीके से पहचानने का तरीका ये भी कह सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ का विषय संधि विच्छेद करेंगे तो वहाँ पर आपको आधा मिल जाएगा, आधा शब्द। तो ये आधा ता है, यहाँ आधा जा है, तो इन दोनों में क्या है? व्यंजन संधि है। अगला देखो, इसमें आपको समास बताना है, पीताम्बर में समास आपको बताना है। तो पीताम्बर बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा विवादित रहता है। पीताम्बर दो जगह पूछा जा सकता है। तो पीताम्बर में कहीं कहीं तत्पुरुष भी आपको लिखा मिल जाएगा, कहीं पर आपको बहुव्रीहि भी मिल जाएगा। तो देखो ज़्यादातर पीताम्बर इस्तेमाल होता है बहुव्रीहि में, ठीक है, क्योंकि पीताम्बर के एक तरीके से कह सकते हैं एक सीधा सीधा अर्थ निकल जाता है और एक उसका तीसरा अर्थ निकलता है, ठीक है। तो पीताम्बर में ज़्यादातर बहुव्रीहि समास ही लगता है। वैसे मोस्टली ऑप्शन ऐसे होंगे, या तो तत्पुरुष होगा ऑप्शन चारों में, या तो बहुव्रीहि होगा, ठीक है। लेकिन अगर कहीं कहीं तत्पुरुष और बहुव्रीहि दोनों मिल जाए तो वहाँ पर आप लोग बहुव्रीहि को लगाइएगा, ठीक है। अगर बहुव्रीहि नहीं है तो आप वहाँ पर तत्पुरुष को सही करेंगे। अगला देखो, चरण कमल। चरण कमल यानी ऐसे चरण जो कमल के समान है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ पर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। 38 नंबर देखो, घुड़सवार। घुड़सवार का क्या हो जाएगा? घुड़सवार का हो जाएगा तत्पुरुष, घोड़े पर सवार। आगे देखो चौराहा। चौराहा है संख्यावाची, और जब संख्यावाची शब्द होता है तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। गर्व शून्य, यहाँ पर आपको बताना है तत्पुरुष का कौन सा है भेद, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, या फिर अपादान तत्पुरुष। तो यहाँ पर करण तत्पुरुष हो जाएगा। अगला देखते हैं सही विकल्प, जो व्यर्थ की बातें करता हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे वाचाल। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखो, जो देखने में प्रिय लगता हो उसे क्या कहेंगे? प्रियदर्शी। नेक्स्ट है, एहसान ना मानने वाला उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कृतज्ञ, और एहसान मानने वाला उसको कहेंगे कृतज्ञ, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, जो एहसान नहीं मानता उसके साथ ना जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है। जो एहसान नहीं मानता उसके साथ ना जुड़ा हुआ है, और जो एहसान मान लेता है उसके साथ ना जुड़ा हुआ नहीं है। जिसे कठिनाई से जीता जाए उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे दुर्जेय। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था कौन सी होती है? वया संधि। याद रहेगा, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था क्या होती है? वया संधि। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तन को कपड़ा ना, फिल इन द ब्लैंक्स को रोटी। अब रोटी किसे चाहिए? खाने को चाहिए, तो खाने को तन को कपड़ा ना, खाने को रोटी। चमड़ी चाय पर दमड़ी ना जाए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 48 नंबर देखो, महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात्कार विग्रह थे। अगला है, इनमें से फिल इन द ब्लैंक्स पुल्लिंग नहीं है, कौन सा पुल्लिंग नहीं है ये आपको बताना है, बचपन, वायु, समुद्र, या फिर कंघी। तो वायु जो है वो पुल्लिंग नहीं है, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना वायु चल रही है, हवा चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्त्रीलिंग माना जाएगा। अब चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर कौन सा ऑप्शन है यार? परीक्षण, परिगणन, परिसीमन, या फिर परिमापन। चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर परिसीमन किया जाता है, ये जरूर याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षा में ये पूछा भी जा चुका है। चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर परिसीमन किया जाता है। तो ये 50 क्वेश्चन आपके सामने हो गए। अब यहाँ पर समय है आपसे एक प्रश्न को पूछने का, जो विशेष प्रश्न है,
एक पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप, आपने बहुत सुना होगा, जो लोग हिंदी पढ़ाई करते हैं वो बहुत सुने होंगे इस नाम को, हिंदी प्रदीप। इसके संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका प्रकाशन वर्ष मैं बता देता हूँ, 1877। अब आपको ये बताना है कि इसके संपादक कौन थे, नीचे कमेंट में इसका नाम ज़रूर बता दीजिए। उम्मीद करता हूँ ये 50 प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे होंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।